हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके जो हम 1-8 क्वेश्चन कर चुके, आज 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं 9th क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक से देखो एक बार। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 अनलिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर रुपी 2,40,000। 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन परचेज हुई है 2,40,000 एंड स्पेंट रुपी 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और उसके ऊपर इरेक्शन पर भी खर्च हुआ है 10,000। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग, सेम ईयर में एक और अनदर मशीन परचेज हुई है रुपी 1,00,000। ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। ऑन 1 अप्रैल 2020 में जो हमने फर्स्ट मशीन परचेज करी थी वो सोल्ड कर दी है फोर रुपी 1,40,000। एंड ऑन द सेम डेट, और इसी डेट पर अ न्यू मशीन परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,00,000। आगे लिखा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को यहां पर पहले वर्किंग नोट्स में आपको दिखाता हूं। देखो, आप हमेशा वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट मैंडेटरी है, लेकिन जो अभी मैं वर्क कर रहा हूं वो मैंडेटरी नहीं है, नीचे का वर्क मैंडेटरी है। आप वर्किंग नोट बनाते हैं एक बार, उसको देखो। देखो, हमने एक मशीन परचेज कर रखी है 1/4/2018, आप उसकी कॉस्ट लिख लो 2,40,000 और प्लस इरेक्शन के चार्ज थे तो वो इसी में क्लब हो जाएंगे, यानी कि 250 की तो एक मशीन परचेज हुई। सेम ईयर के अंदर 2018 में अनदर मशीन परचेज हुई है 1,00,000 रुपए की, वो लिख लो आप यहां। ये चीज क्लियर है? यानी कि 18 में दो मशीन परचेज है, एक 250 की और एक 180 की। उसके बाद 1/10/2020 को ध्यान रखना, मशीन सोल्ड हुई है, फर्स्ट मशीन सोल्ड 1,43,000, ध्यान रखो। यानी कि फर्स्ट मशीन को हमने सोल्ड आउट कर दिया 1,43,000, और इसी डेट को अनदर मशीन भी परचेज्ड हो गई 20 में 2,00,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन का रेट आपको दे रखा है 5% पर एनम। अब यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग। अब ये देखो, हमें इसमें फोर ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन पूरा मैंने ब्लैक बोर्ड पर ही लिख दिया एक तरीके से। ऐसे ही वर्किंग में आप यदि इसको बना लोगे तो बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं। कितनी मशीन परचेज हुई है? टोटल 3। कैसे पता चला? फर्स्ट मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, अनदर मशीन परचेज सेम ईयर में परचेज हुई है 2018 में 1,00,000, और आफ्टर 2 ईयर हम जो है मिड ऑफ द ईयर में 1 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर रहे हैं 4,43,000 एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन परचेज 2,00,000 की। तो टोटल कितनी मशीन हो गई हमारे पास? 1, 2, 3 और एक मशीन सेल आउट। उसकी वर्किंग जो दिखाएंगे वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, लेकिन ये वाला वर्क मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लोगे तो आपके फेवर में है। अब हमें बुक से क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं। ये रहा क्वेश्चन, यहां स्टार्टिंग करते हैं। ये देखो जी, यहां पर सबसे पहले लिखो 2018, ये अप्रैल फर्स्ट, और लिख दो यहां 2,00,000। यहीं पर ब्रैकेट में ही दिखा दो जितना था। दो बार भी हम ये लिख सकते हैं, याद रख लेना 2,40,000, तो टोटल आ गया 2,50,000। ये चीज थोड़ी देर के लिए, ये टू दो बार बैंक लिख सकते हैं, 240 अलग से दिखाओ, 10,000 का 2,00,000 अलग से दिखाओ, लेकिन एक साथ क्लब करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने इस पर टोटल पर चार्ज करना है, तो ऐसे दिखा दो ज्यादा बेटर है। अब हमारा जो ईयर एंड है ना, आपको ये भी बताता हूं कि जो ये सेकेंड मशीन है ये कहां पर लिखनी चाहिए, आपको बताता हूं। इस ईयर में आएगी अनदर, एंड कब होगा इस ईयर का? 31 मार्च 2019 में। 19 से पहले, 31 मार्च 2019 से पहले जितनी भी मशीन परचेज है इस ईयर में आएंगी। तो ये देखो, ये परचेज 19 से पहले है, इस ईयर में आ गई। अक्टूबर फर्स्ट 2,00,000 करो, जितने की मशीन आपने परचेज करी 1,00,000 रुपी। उसके बाद यहां पर आ जाओ अब आप एंड ऑफ द ईयर में, यानी कि दो मशीनें परचेज हुई है ईयर में, नोट करना। अब इनका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 2 आ जाएगी मार्च 31st। चलो जी, यहां पर लिखो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां इनर कॉलम में ही आप लिख लो मशीन फर्स्ट ऐसे करके, और मशीन सेकंड। ये मशीन थी पहली फर्स्ट 250, इनटू करो 5/100,
कितना आ जाएगा करोगे तो आप 12,500। ऐसे ही सेकंड मशीन का करो, सेकंड मशीन कितने की है 1 लाख इंटू 5/100 और इसमें टाइम 6 मंथ का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये अक्टूबर से थी, यहां से मंथ चेक कर, सेकंड मशीन का परचेज हुई है 1 अक्टूबर को, उसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन जो कि 2500 बनेगा। अब ये टोटल आपका बन गया 15,000। ये चीज क्लियर होगी थोड़ी सी। अब आगे, अब इसको क्लोज करते हैं, यहां डेट डाल दो मार्च 31st और बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां लिख दो मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। कैसे लिखेंगे वो यहां से देखो, 250 की मशीन थी फर्स्ट, कितना डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन मींस कमी आ गई, इतना माइनस करो तो आज एक साल बाद इतने की मशीन बच गई 2,37,500। दूसरी जो मशीन बच गई 97,500। ये चीज थोड़ी क्लियर हुई, ये कहां से आया 97,500, 1 लाख 2500 माइनस करो 97 आ गया। अब इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दो, ये टोटल यहां पर ये लिख दो आप, यहां 0,05,3,335,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे 3,50,000। ये टोटल हो गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, यहां पर यहां जाओ अब आप 2019 और अप्रैल डेट फर्स्ट बिगनिंग की डेट टू बैलेंस बीडी करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर मशीन फर्स्ट और ये मशीन सेकंड, इसको मशीन 1, 2 ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी डिनोट कर सकते हैं। कितनी वैल्यू है 237,500 और ये कितनी है 97,500। इसका टोटल करके लिख दो 2,00,000, 3,35,000। अब इस ईयर में कोई परचेजिंग नहीं है 20 तक, 20 के बाद है, यानी कि हम जो बनाएंगे अब कब का बनाएंगे 31 मार्च 20 का, उससे पहले कोई नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, यहाँ डेट डालो 20 और यहाँ लिखो मार्च 31st, बाई डेप्रिसिएशन लिखो, हर साल डेप्रिसिएशन ऐसे ही चार्ज होगा, और यहाँ लिख दो मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। फर्स्ट के ऊपर कितना लगेगा देखो, बिगनिंग पर इसीलिए हमने टोटल करा था 5% ऑफ इट 12,500, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, अगले में 5,000 लगेगा। अब इसका टोटल कर दो 17,500 आ गया। अब फिर इसको क्लोज कर, पहले बैलेंस शीट निकालते हैं, मार्च 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। फर्स्ट का कितना है, इसमें से ये माइनस करो, ये देखो ये मशीन है, इसमें से 12,500 माइनस कर दो 225 और ये 92,500। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं 335, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, यहां से यहां डेट डालो 2020 और यहां लिखो डेट अप्रैल 1st, टू बैलेंस बीडी, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड, 225 और 92,500, टोटल 3,17,000। यहां तक तो क्लियर हो गया, ये हमने यहां से यहां फॉरवर्ड करा है। अब यहां पर पॉइंट आया है, क्या है, अब इसकी क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2022 को, उससे पहले 21 में, सॉरी उससे पहले हमने क्या एक मशीन सेल भी कर रखी है और परचेज भी, कब कर रखी है 1 अक्टूबर को। अब वहां वर्किंग पे चलते हैं, कौन सी डेट डालो पहले आप, यहां 2020 और यहां लिखो अक्टूबर 1st, यहां पर लिखो बाई डेप्रिसिएशन, अकाउंट ये या ब्रैकेट में भी लिख दो सोल्ड मशीन, जो थोड़ा और अच्छा रहे, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का, देखो ये वाली मशीन को सेल आउट करा है, उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का बनता है 12,500, 6 मंथ का कितना लगेगा 6,250। अब ये वर्किंग पे आए, किस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अक्टूबर 1st बाई बैंक लिखो पहले, ये वो दे रखा है क्वेश्चन में कि कितने की सेल आउट है, कितने की सेल आउट है 1,43,000, वो लिख दो।
अब ये चीज आपको निकालनी है क्वेश्चन में, देखो अक्टूबर फर्स्ट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये फाइंड आउट हमने करनी है। ये कितना आया, ये वर्किंग से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, यहां पर आओ, यहां देखो आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन के ऊपर कितना आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ वो फाइंड आउट करना है। चलो जी, सबसे पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखो, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, जो हमने मशीन बेची उसकी कॉस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखना कौन सी मशीन सेल आउट करी है, फर्स्ट मशीन लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 110 को, कितनी कॉस्ट वैल्यू है उसकी 250,000, 2 लिख दो। इसमें से माइनस करेंगे जितना उस पर अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट ऑफ, माइनस करो इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन अप टू डेट ऑफ सेल। इसका मीनिंग क्या होता है, अप टू डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ पहले लिख देता हूं एक बार मैं, यानी कि आज तक जितना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन है, कौन सी मशीन भी की है, ये फर्स्ट मशीन, फर्स्ट पर देखो ये रहा एक बार, एक तो ये लिखो ये रहा, उसके बाद अगले साल फिर दोबारा इतना ही लगा था ये रहा। अप टू डेट ऑफ सेल का मतलब सेल तक डेप्रिसिएशन, और 6250 एक लगा आपका, ये देखो ये रहा 6250 जो अभी लगा, ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आया था, खुद कैलकुलेट कर लेना 250,000 × 5/100 और × 6/12। अब यहां चलते हैं इनका टोटल करते हैं, ये बनता है 31,250। अब इसकी बुक वैल्यू निकालते हैं कि इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, वो जो बुक वैल्यू आ गई आपकी 218,000 निकालोगे तो 218,750, इसमें से इसको माइनस करें, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑन, ये भी लिख लो 110,2020 को बुक वैल्यू आ गई, यानी कि आज उसकी कीमत इतनी है, यदि वो इससे ज्यादा की सेल आउट है तो प्रॉफिट हो गया, और इससे कम की हो रही है तो लॉस हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कितने की सेल है 143, इट्स मींस लॉस हो गया, माइनस करो सेल्स वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1,43,000। तो अल्टीमेट ये जो चीज आ गई 750, ये क्या चीज आ गई आपको पता हो तो 75,000, ये रहा ये इट इज लॉस, इसको 7 अच्छी तरह बना लेते हैं 75, ये आ गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये ही फाइंड आउट करना था। मशीन कैसे निकला, देखो टोटल कॉस्ट लिखेंगे सबसे पहले, माइनस करेंगे जितना आज तक डेप्रिसिएशन, अप टू डेट ऑफ सेल का मतलब था आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इतना, ये कहां से निकला ये रहा, यहां से दिखता है, आज सेल कर रहे हैं इससे पहले जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा है फर्स्ट मशीन पर, वो देखो फर्स्ट पर एक ये चार्ज कर रखा है, एक ये कर रखा है, और एक ये, 3 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखे हैं, तीनों लिख लिए, तीनों का टोटल करा, माइनस करें कॉस्ट वैल्यू में से बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या जाएगा, बुक वैल्यू मींस कि आज की डेट में उसकी कीमत इतनी रह गई है, अब वो उस रेट में मार्केट में सेल है, ये तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा की सेल हो गई तो प्रॉफिट, लेकिन अब ये कम की हो गई तो लॉस, ये चीज क्लियर है, और ये लॉस यहां पुट होगा 75,750, यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा जो है आगे चलते हैं, और इसी डेट को कह रहा है एक अनदर मशीन परचेज हुई, देखो परचेज इधर लिखते हैं, मशीनें जितनी है सेल होंगी तो इधर लिखते हैं, पहली मशीन परचेज हुई थी इधर लिखी, सेकंड थी इधर, सेल जैसे हुई तो इधर कर दी, अब एक थर्ड मशीन और परचेज हो रही है, यहां लिख लो टू बैंक, कितने की परचेज है 2,00,000 रुपए, और डेट क्या दे रखी है October 1, 2020। अब जरा यहां एंड ऑफ द ईयर पे आ जाओ, इस ईयर का एंड देखो, यहां अप्रैल से शुरू है, 31 मार्च को आ रहा है, यहां 2021 मार्च 31, यहां लिखो जी डेप्रिसिएशन निकालो, अब कौन से डेप्रिसिएशन निकालो आपको बताता हूं, एक तो सेकंड मशीन का, एक थर्ड मशीन का, यहां लिख लो सेकंड मशीन जो बची हुई है हमारे पास, थर्ड मशीन बची हुई है अभी,
सेकेंड मशीन का डेप्रिशिएशन बनता था 5000, आपको याद हो रहा, 1 लाख का 5% करेंगे तो कितना आएगा, 5, हर बार लगाते आ रहे हैं 5। थर्ड मशीन आज खरीद ली, इसका 6 मंथ का डेप्रिशिएशन लगेगा, कब परचेज है, 1 अक्टूबर को, मार्च तक कितने मंथ बने, 6, पूरे साल का जो बनता है 10,000 बनता है 5% से करें तो, और 6 मंथ का करेंगे तो उसका हाफ कर दो, कितना बन गया, 5। या यहां पर भी वर्किंग में भी दिखा सकते हो, डेप्रिशिएशन ऑन थर्ड मशीन कैसे निकला, ये देखो, ये दिखा देता हूं आपको, कितने की मशीन आई है, 2 लाख, इनटू करो 5/100 और इनटू टाइम लगाओ 6/12 करोगे तो कितना आ गया, 5000, तो ये 5 आ गया, ये टोटल कितना हो गया आपका, 10,000। अब यहां इनके बैलेंस सीडी बाय बैलेंस कैरी डाउन जो बचे, कौन कौन सी के, एक तो सेकंड का बचा है, सेकंड मशीन, और एक मशीन थर्ड, सेकंड मशीन, ये देखो यारी ना, इस पर डेप्रिशिएशन 5 लगा तो इसकी कॉस्ट कितनी रह गई, 87,500 लिख दो। थर्ड मशीन इतने की आई थी, ये कितने की रह गई, 195 लिख दो। अब इसका टोटल करके वहां दिखा देते हैं, 500 12 282 500, यहां तक क्लियर है, ये बैलेंस शीट हमने निकाल दिया। अब इसको क्लोज करते हैं, अब इसको क्लोज करोगे तो ये कितना आ गया, 517 500, इधर भी लिख दो, ये यहां से इधर का टोटल, और ये हमने निकाल ही लिया था अभी पहले ही, क्योंकि हमने यहां से डायरेक्ट डेप्रिशिएशन माइनस करके निकाल लिया था, इधर का टोटल ज्यादा है तो दोनों तरफों पुट कर देंगे। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, कि अभी तक 3 ईयर का बना है, 1 ईयर 2 ईयर 3, हमें 4 ईयर का बनाना है, या लिखो अब इससे आगे की डेट 2021, और यहां डेट डाल दो April 1st, यहां लिखो 2 बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉड डाउन, फर्स्ट और सेकंड, मशीन सेकंड बची है हमारे पास, मशीन थर्ड, अब फर्स्ट खत्म है, यहाँ कितने कितने की निकाल रखी हमने, 87,500 और 195, और इसका टोटल था 2,82,500, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अगले साल आओ, अगला साल कब आएगा, 2022, और यहाँ डेट डाल दो March 31st, यहाँ लिखो बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, यहाँ लिखो मशीन सेकंड और मशीन थर्ड, इसके ऊपर तो 5000 लगता आ रहा है अभी तक, 5% ऑफ, ये रहा हमेशा इस वैल्यू पर होता है जो जहाँ परचेजिंग प्राइस है, तो पूरे साल का है। दूसरी मशीन पर भी यहाँ तो कम लिया था क्योंकि यहाँ 6 मंथ का है, लेकिन अब अगले साल ये पूरे 12 मंथ का लगेगा, 10,000, कितना आ गया ये, 15,000, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका जो है फिर वो निकाल देते हैं बाई बैलेंस सीडी, पहले एक बार इसको क्लोज कर देते हैं फिर दिखा देता हूँ सीडी, पहले एक बार क्लोज कर देते हैं इसको। अब इसको क्लोज करते हैं तो इधर का तो 282 आ रहा है, तो उधर ही लिखेंगे, ये भी 282 500, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये रहा, यहाँ लिखो मशीन सेकंड और यहाँ लिखो मशीन थर्ड, सेकंड कैसे निकलेगी उसकी वैल्यू, 87,500 है, 5000 डेप्रिशिएशन लगा तो 82,500 की रह गई है, दूसरी मशीन 195 की थी, 10,000 डेप्रिशिएशन लगा तो 1,85,000 की रह गई है, और इसका सम करके यहाँ पर अब आप लिख दो, वो 2,67,500 आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया क्यों, स्पेस कम था, तो थोड़ा आप देख लेना, ये 282,500, यहाँ तक क्लियर हो गया, 2,67,500। अब हमारा ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया आप समरी बना लो, ये हमने यहाँ लिखा था आपको बताया, ये मैंडेटरी नहीं है, ये समझाने के लिए आपको, आप रफ बना लोगे वर्किंग्स में तो कोई इसके मार्क्स नहीं कटते, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, देखो यार अब आपको बुक देखने की जरूरत नहीं, यहीं से पोस्टिंग करते जाओ, कैसे लिखा है ये लिखी हुई थी, ये मैंडेटरी है, जरूरी है दिखाना कि उस जो मशीन सेल कर रहे हो उस पर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, ये चीज़ क्लियर हुई, फिर हमने मशीन अकाउंट बना लिया। अभी हमारा 9th तो कंप्लीट हो गया, अब 10th को जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।